मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कान खोल करके सुन लीजिए, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये सारे मुद्दे। बीपीएससी टीआरई 1 की जो सीटें खाली है, ईमानदारी पे बताइए शिक्षा मंत्री जी, टीआरई 2 में जुटना चाहिए कि नहीं? जब यार इंसान ही नहीं रहेगा तो वो महाराजा, वो राजा किस काम के, किसके लिए है भाई? अरे क्या रह गया है, जात के नाम पे आरजेडी जेडीयू बीजेपी करके लड़ाओगे, मंदिर मस्जिद करोगे, वोट तो मिलवे करेगा यार, होगा क्या यार? एक भी विधायक मंत्री आपका अगर बोला हो और एक्शन लिया हो तो आप बताइए। लेकिन एक बात बताइए, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो 24 घंटा में आपकी फर्जी तर्जी लंद फंद अलंगड़ा लंगड़ा लूल्हा सारा शिक्षक को आप बहाल कर लेते हैं। अरे ये विपक्ष का, ये महा ठक बंधन का जो नेता जो सब था, कहता बड़का बड़का आम है, ये कहां गया भाई? इस सब का, इस सब को वोट के टाइम में रैला करता रहता है। देखिए बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए टीआरई 3 का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा, आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है ये बड़ा सवाल है। कहा यह जा रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री का अलग थलग बयान आता है। इसके साथ ही जिस तरीके से बंगाल में बिहारी युवा के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। और बिहार में खासकर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। इसके साथ ही और भी कई सारी मांगे अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उर्दू टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हसन जी, कैसे देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं? पहला हमारा मुद्दा रहेगा डोमिसाइल का, डोमिसाइल को लेकर लगातार सवाल। अच्छा एक बात आप बताइए सर, अगर डोमिसाइल लागू हो गया रहता तो क्या वो बंगाल में जा करके जो एग्जाम देने गया था उसकी पिटाई होती, वो लड़का बंगाल में जाता? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि यार राजा या महाराजा वो जानवर के तो नहीं होते हैं, इंसान के होते हैं। जब यार इंसान ही नहीं रहेगा तो वो महाराजा, वो राजा किस काम के, किसके लिए है भाई? ये मेरा सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सवाल पूरे बिहार के नागरिकों का है। आप ये समझिए, अगर मानवता हर इंसान के अंदर है और आपके अंदर भी है, आपके पास में तंत्र मंत्र बिहार और केंद्र अब तो दोनों है, तो 20 साल के तो याद दिलाते हैं, लेकिन ये बंगाल में जो हुआ, एक भी विधायक मंत्री आपका अगर बोला हो और एक्शन लिया हो तो आप बताइए। यह सवाल मेरा नहीं, यह सवाल बिहार के आत्मा का है, यह सवाल बिहार के शिक्षक एजुकेशन और यह सवाल पढ़े लिखे पूरे बिहार के एक एक समुदाय का है कि बिहार अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और लड़ाई आर पार की होगी। अब कोई समझौता नहीं होगा आपसे। बाप रे बाप, एक साल से डोमिसाइल की मांग, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग एक साल से ना हो रहा हो। बीपीएससी टीआरई 1 की जो सीटें खाली है, ईमानदारी पे बताइए शिक्षा मंत्री जी, टीआरई 2 में जुटना चाहिए कि नहीं? आप उसमें भी नहीं जोड़ा तो चलिए, कम से कम आप 1 और 2 की सीटें नहीं जोड़े तो कम से कम आप 3 में जोड़ देते। यार ये क्या तमाशा बना दिया आपने बिहार को? आप क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं बिहार? कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या बिहार बनाना चाहते हैं? बिहार के ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग भैया करें हम? है कोई बिहार के विधायक एमएलए एमपी मंत्री जो ये मुझे बता भी ट्रेनिंग कॉलेज है उसमें अदर स्टेट के उम्मीदवार हो? आप बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के सारे, और बाप रे बाप, अरे ये विपक्ष का, ये महा ठक बंधन का जो नेता जो सब था, कहता बड़का बड़का आम है, ये कहां गया भाई? इस सब का, इस सब को वोट के टाइम में रैला करता रहता है, अभी कहां गया भाई? ये सब कहां, नजर नहीं आ रहा है? अभी मैं मंत्री और विधायकों के आवास पे अभी मैं आया हूं उर्दू टीईटी रिजल्ट के खातिर कि भैया हम लोग का क्या हुआ भाई? ये तो 10 साल से सरकार एक रिजल्ट जारी नहीं कर पाई, उस सरकार से हम क्या उम्मीद ले सकते हैं सर? अभी भी देरी हो रही है।
अभी भी देरी की बात कर रहे हैं। देखिए, अरे कौन ऐसा चैनल है जिसपे रिजल्ट के लिए, उर्दू बंगला टीटी के रिजल्ट के लिए खबर न चली हो? टीआरई थ्री के रिजल्ट में क्या हो रहा सबको पता है। सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के एक एक अंग को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़े इज्जत के काबिल हैं, लेकिन एक बात बताइए, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो 24 घंटा में आपकी फर्जी तर्जी लंद फंद अलहरा लंगड़ा लूल्हा सारा शिक्षक को आप बहाल कर लेते हैं आप। क्या हमने कभी किसी शिक्षक को जो अदर स्टेट से आए हैं हमने उसकी डिग्री को चेक किया? क्या अधिकार बनता है ममता दीदी आपको? गुंडों को अधिकार क्या बनता है बताइए, आप बताइए क्या अधिकार बनता है वहां पे चेक करने का? अरे जस्टिस का काम, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा कि यार अन्य और भी लोग करेंगे, अन्य लोगों के द्वारा जिनकी गिरफ्तारी, बताइए ना भाई, उनके द्वारा बयान दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि बाहरी को नौकरी नहीं लेने देंगे। अरे किसकी गिरफ्तारी हुई है? जिस तरीके से जिस व्यक्ति ने, आप लोग बात करते हैं भाई, अरे बाहर वहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, झूठो को खबर चलाया सब। गिरफ्तारी क्या चीज हुई? देख रहा पूरा ऐसे ऐसे करके उस शान से चल रहा, गिरफ्तार किए हुए आदमी ऐसे शान से चलेगा दिखावे के लिए? आज सरकार तो जानबे करती है कि अरे क्या रह गया है, जात के नाम पे आरजेडी जेडीयू बीजेपी करके लड़ाओगे, मंदिर मस्जिद करोगे, वोट तो मिलबे करेगा यार, होगा क्या यार, यही सब तो है। आज तक के 10 साल से उर्दू बांग्ला टीटी का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया, शर्म के मारे डूम मरना चाहिए यार। जब उन लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो कौन सा बीपीएससी का एग्जाम देगा सर, कौन सा बीपीएससी का एग्जाम देगा बताइए? आज पूरे पटना के गली गली हर जगह उन लोगों के ऊपर में लाठी चार्ज हुई, और पूरे बिहार में सबसे बड़ा दर्द अगर किसी को है तो वो उर्दू टीटी उम्मीदवारों को है। एससीईटी का रिजल्ट, छह महीना रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आज तो नेट कटा में। तो एक काम हम ऐसा करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू का खानदान, ये जरा जवाब दे देना इस बात का कि विधायक का चुनाव आज हो और 6 महीना के बाद में रिजल्ट घोषित हो, आप ठीक रहेगा ना? तब ठीक रहेगा ना सर? तब तो तिल मिला जाइएगा कि चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, तिल मिला जाइएगा। आज जब जनता की बात आई, शिक्षकों की बात हुई तो उस पर लाठी चार्ज करो। बीपीएससी टीआरई थ्री का रिजल्ट का कोई पता नहीं है, डोमिसाइल का कोई पता नहीं है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का कोई पता नहीं है, उम्र का कोई पता नहीं है, और सप्लीमेंट्री का तो बाप रे बाप, अब क्या कहा जाए उसके बारे में? फैसले के बाद भी कोई नहीं, अब बताइए तो सुन लीजिए, 25 के चुनाव में महाठकबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कान खोल करके सुन लीजिए, ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये सारे मुद्दे, याद रखना ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और बिहार के अल्पसंख्यक समाज करेंगे, शिक्षक हो या फिर पूरा बिहार का अल्पसंख्यक समाज हो, कहीं ना कहीं ताबूत की कील जो है वो कहीं ना कहीं साबित होगी और इन तमाम मुद्दों को लेकर उखार फेंकने का काम करेंगे हसन रजा। उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जमकर नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर निशाना साधे थे, साथ ही ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे थे। ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा हो, या फिर अनेकों जो विसंगतियां हैं उन तमाम विसंगतियों को लेकर आवाज उठा रहे थे, साथ ही टीटी के जो उर्दू टीटी का खासकर रिजल्ट है उसकी मांग उठा रहे थे, और यह साफ कह रहे थे कि ये रिजल्ट जो है 10 साल से अटकाया हुआ है और इसका जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। आखिरकार सरकार कहां सोई है ये बड़ा सवाल है। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं हर्षन रजा, आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।